उज्जैन शहर को गंभीर नदी पर बने डैम से पानी आता है और गंभीर नदी डैम को जाने आने वाला मुख्य रोड खराब हो चुका है। बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इसका मुख्य कारण इस रोड पर से प्रतिदिन बड़ी संख्या में रेत मुरम और अन्य कंस्ट्रक्शन सामान लाने ले जाने वाले वाहन गुजरते हैं, जो तेज गति के साथ तो गुजरते ही हैं, साथ ही बड़ी संख्या में भी गुजरते हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो जाने की वजह से कई जगह रोड पर प्रतिदिन आए दिन बाइक सवार गिर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, किस प्रकार से आने जाने में किसान परेशान हो रहे हैं और डेली अप डाउन आ रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, बहुत दिक्कतें आती है, बहुत गड्ढे हो गए इस पे। डंपर चल चल के और खास करके बिना के फंडा से लगा करके रिंग रोड तक रेत के डंपर चल रहा है, रेत के अधिक तरफ रेत के चल रहा है, मुरम के डंपर चलते, उससे बहुत दिक्कत है। तो पूरा रोड जर्जर हो चुका है। कई बार इस संबंध में जब मांग उठाते हैं लोग, तो थोड़े से गड्ढे बोर करके ना इसको वापस हर साल खराब हो जाता है। ये पूरा रोड बहुत जर्जर आ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है लोगों को आने जाने में, कई महिलाएं गिर जाती है, पीछे बैठी हुई सवार गिर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।